आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर पे लच्छा परांठा झटपट से कैसे बनाएं। सर्व करने से पहले इसको ऐसे क्रिस्पी भी कर सकते हो। ये देखो इसका आवाज़ सुनो आप, ये देखो कितना क्रिस्पी बना है और इसके ये देखो पूरे लच्छे खिले के खिले बने हुए हैं। सो आप ये देख सकते हो ये बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही यमी है। सबसे पहले हम लच्छा परांठा बनाने के लिए एक लोई तोड़ते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से इसका पेड़ा बना लेंगे। अब हम पेड़े को सूखा आटा लगाने के बाद जैसे पूरी रोटी बेलते हैं ऐसे की ऐसे इसको अच्छे से बेल लेंगे। सो आप देख सकते हो कि ये मैं कैसे बेल रही हूँ, तो इसको ऐसे ही बेलना है और इसका प्रॉपर पूरे का पूरा इसका चपाती जैसे इसको बेलने के बाद हम आपको बताएंगे कि फिर उसका हम क्या करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए। अब हमने रोटी को बेल लिया है और इस पर हम अच्छे से घी को लगा देंगे। घी को बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं लगाना है, बिल्कुल धीमे से इसको अच्छे से आप ब्रश की सहायता से भी लगा सकते हो। सो मैंने तो कड़छी की सहायता से ही लगा लिया है, आप ब्रश की हेल्प के साथ भी इसको ग्रीस कर सकते हो। उसके बाद में हम इसके ऊपर ये नमक डाल रहे हैं 2 इंच जितना, छोटे वाली 2 इंच जितना, और लाल मिर्ची डाल रहे हैं और अजवाइन, ये आप देख सकते हो 1 पिंच जितनी अजवाइन ली है। और अजवाइन को जब भी हमने यूज़ करना है किसी भी चीज़ में डालने के लिए इसको अच्छे से मलना है, क्योंकि इसका सुगंध और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। सो आप देख सकते हो हमने इसको अच्छे से फैला लिया है और अब हम इसको अच्छे से चिपका देंगे। अब सबसे पहले हमें नए लच्छा परांठा बनाने के लिए रोटी को ऐसे फोल्ड करना है, फिर ऐसे फ्लिप की तरह, जैसे वो पंखी होती है ना, फोल्डिंग पंखी, जिसकी गर्मी में हम लोग हवा लेते हैं, बिल्कुल उस टाइप से ही बना देना है। जैसे हम लोग बचपन में कागज़ के स्कूल के टाइम पे पंखे बनाते थे ना, बिल्कुल वैसे की ही वैसे। आप ये देख सकते हो और ये देखो हमारी ये लेयर कैसे बन गई है, ये इसकी इधर से 6 लेयर बन गई है और इधर से भी आप देख सकते हो 7 लेयर बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अब हमने इसको इधर को घुमा लेना है और सबसे पहले जो साइड हमारा प्लेन वाला है, आप ये देख सकते हो ये साइड प्लेन है और इधर में नमक मिर्चा है, और जो प्लेन वाला साइड है उसको हमने अंदर की तरफ राउंड शेप में ऐसे घुमाना है। सो आप देख सकते हो ये हमने अच्छे से इसको घुमा लिया है और इसको हल्का हाथ से बिल्कुल प्रेस करना है। इधर दूसरी तरफ हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसके ऊपर सूखा आटा लगा के बिल्कुल धीरे धीरे से इसको बेलेंगे। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। ये देख रहे हो कि मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेल रही हूँ। अभी हमारा तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, हम इसके ऊपर लच्छे परांठे को डाल देते हैं। देख सकते हो हमारी लच्छे परांठे की एक साइड अच्छे से ड्राई होने लग गई है और हम दूसरी तरफ इसको पलटी मारते हैं। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी साइड अच्छे से सिक गई है और अब हम इसके ऊपर घी लगाते हैं। फ्रेंड्स आप चाहे इसमें ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हो, बट मैंने इसके ऊपर गाय का देसी घी ही लगाया है, क्योंकि ये देसी घी की परांठी बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है।
अब हम इसके दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा लेंगे और इसको ब्राउन होने तक, बादामी रंग का होने तक इसको अच्छे से सिकाई करेंगे। सो आप देख सकते हो अब हमारी परांठे के ये लच्छे, ये देख सकते हो ये लच्छे खिलने स्टार्ट हो गए हैं और अब हम इसको बिल्कुल पिंक पिंक होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से सेकेंगे। दोस्तों ये ना परांठी बहुत ही मस्त बनती है, चाहे आप इसको चाय के साथ, चाहे बटर के साथ, चाहे दाल के साथ, चाहे चने के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हो। ये बिल्कुल ही होटल स्टाइल की बनती है, जैसे होटल में बनती है ना, होटल की मंगवा के खाते हैं हम लोग लच्छा परांठा, ये बिल्कुल लच्छा परांठा वैसे ही बनता है। सो इसको धीमी आंच पे हम लोग थोड़ा सा इसको सेक लेंगे अच्छे से। सकते हो हमारा लच्छा परांठा बिल्कुल बन के तैयार है। ये दोनों तरफ से बादामी रंग का हो गया है, यानी कि हल्का ब्राउन हो गया है। अब आप देख सकते हो